हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मेराकी यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 शिफ्ट के एग्ज़ाम क्वेश्चंस। तो कोई भी एग्ज़ाम हो और स्पेशली जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनको यूज़ करना चाहिए हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए। तो उसी पर्पस से सीरीज़ हमारी जो थी वो स्टार्ट की गई थी। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और अभी तक हमने 90 क्वेश्चंस जो हैं, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 का, उसके कर लिए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में। अब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 to 95 ऑफ पेपर 2, दैट इज़ द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 5 क्वेश्चंस क्यों लिए हैं मैंने, बिकॉज जो 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, दे आर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। तो आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको आंसर करने हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पैसेज करेंगे और जो दूसरा पैसेज है जिसके ऊपर हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर तो मैं एक बार रीड करूँगी ही सारा का सारा पैराग्राफ, फिर भी अगर आप चाहें कि क्वेश्चन के साथ आपको पैराग्राफ दिखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो है एरो है इस वीडियो के नीचे, इसको क्लिक करेंगे और आपको पैसेज वहाँ पे दिख जाएगा। तो पूरा का पूरा जो पैसेज है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप साथ साथ अगर आपको रेफ़र करना पड़े क्वेश्चन को देखते हुए तो आप इस पैसेज को क्वेश्चन के साथ ही रेफ़र कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैसेज के साथ। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पैसेज को खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ पढ़ें तो वो भी आप कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। Now the question is, read the given passage carefully and answer the questions that follow. A passage kya kehta hai, the Indian economy in recent past, especially after 1980s, has undergone many kinds of changes. So jo Indian economy hai wo kuch samay se, pichle kuch past se hamare, aur khas kar 1980s ke baad usme kafi sare changes aaye hain. Accordingly, a new pattern of fiscal federalism has emerged in order to meet the new situations and conditions resulting out of the economic transformations. तो इसके साथ साथ जो changes हैं, एक fiscal federalism जो है हमारा, उसका एक नया pattern निकल के आया है economic transformations को देखते हुए। अब fiscal federalism क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। The Finance Commission as an instrument, as an instrument for distribution of financial resources between federal constituents, dealt with the economic imbalances resulting out of economic changes. Besides the Finance Commission, other institutions like NITI Aayog as a think tank and various ministries are playing significant role to maintain just fiscal federalism. Further, with the implementation of 73rd and 74th constitutional amendments, governments at local levels are empowered with devolution of funds and functions. Also, GST Council is created to ensure uniform tax system, which is likely to strengthen the existing fiscal federalism. तो इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है और आप चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं, आपको समझ आएगा कि एक चीज़ जो हाईलाइट हो रही है, जो हमारा इसमें मेन टॉपिक है, दैट इज़ फिस्कल फेडरलिज्म। नाउ ये फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? फिस्कल फेडरलिज्म इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स या फिर फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स ऑफ अ फेडरलिज्म। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स ऑफ अ फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म के यूनिट्स हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं? सपोज सेंटर है, स्टेट्स है, या उसके आगे हम बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो एक फेडरेशन के अंदर जो यूनिट्स हैं उनके बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होंगी? फिस्कल वर्ड जो है वो हमारा फिस्क वर्ड से आता है, एंड फिस्क मीन्स ट्रेजरी, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है वो, ठीक है। तो जो जितने भी हमारे फाइनेंसेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कौन सी पावर किसके पास है बिटवीन द यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन, दैट इज़ द स्टेट और द सेंटर या फिर लोकल गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है। और इस पैराग्राफ में जो
कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम आ रहे हैं, वो है फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल की बात की गई है, 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है। तो यहाँ से आपको एक मेन आइडिया मिल गया है, सेंट्रल आइडिया मिल गया है कि पैराग्राफ किसके ऊपर है। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज नीति आयोग इज नॉट अ, नीति आयोग इनमें से क्या नहीं है? वन, थिंक टैंक, टू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, थ्री, स्टाफ एजेंसी एंड फोर्थ, फेडरल इंस्टीट्यूशन। तो वैसे अगर आप देखेंगे, क्योंकि नीति आयोग का नाम आया था पैसेज में तो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, बट अगर वो पैसेज में नहीं भी होता तो ये आप आंसर कर सकते हैं अगर आपने नीति आयोग पढ़ा है। तो मैं कह सकती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से है, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टॉपिक इज नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमें सबको पता है कि नीति आयोग 2015 के अंदर बना था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, थिंक टैंक है, स्टाफ एजेंसी है, फेडरल इंस्टीट्यूशन है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। कि अगर हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करें, या फिर मैं कह सकती हूँ फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स की अगर बात करूँ, तो इनमें से कौन सी बॉडी उससे रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है 1, फाइनेंस कमीशन, 2, नीति आयोग, 3, जीएसटी काउंसिल एंड 4th इज जोनल काउंसिल। नाउ द आंसर इज जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल का फाइनेंशियल रिलेशन से कोई नाता नहीं है हमारा, ठीक है जी। तो फाइनेंस कमीशन का भी होता है, नीति आयोग का भी होता है, जीएसटी काउंसिल का भी होता है। इस क्वेश्चन का हिंट आपको पैराग्राफ में मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस जो हैं मेंशन्ड हैं। अगर आपको सपोज कंफर्म नहीं भी था कि नीति आयोग का कोई रोल है या नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में इट वाज मेंशन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जोनल काउंसिल उधर पैराग्राफ में मेंशन्ड नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक इज फिस्कल फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, एंड आवर आंसर इज ऑप्शन 4, जोनल काउंसिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट क्रिएटेड इन पोस्ट लिबरल पीरियड फॉर स्ट्रेंथनिंग फिस्कल फेडरलिज्म। अब इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो पोस्ट लिबरल पीरियड में नहीं बना है? मतलब पोस्ट लिबरल पीरियड क्या है? जब लिबरलाइजेशन हुई, जब हमारे LPG रिफॉर्म्स हुए 1990s के अंदर, 1991 के अंदर, तो उसके बाद नहीं बना है, मतलब उससे पहले बना हुआ था वो, ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ऑप्शंस क्या हैं? स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेकंड इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, थर्ड इज नीति आयोग एंड फोर्थ इज जीएसटी काउंसिल। अब नीति आयोग आपको पता है 2015 में बना है, तो इट इज़ पोस्ट 1990s। जीएसटी काउंसिल भी हमारा जब जीएसटी आया तब बना। स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारा 73rd, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बना, जो कि कब आई? वो भी 1991 के बाद आई, 1992-1993 के अंदर आई। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पहले से हमारा था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और टॉपिक कहाँ से है हमारा? अगेन यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज फिस्कल फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही तरीके से मैच्ड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 1 इज थिंक टैंक, ये हमारा करेक्टली मैच्ड है। सेकंड इज फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये सही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन, राइट, आप मुझे बताएंगे। थर्ड इज जीएसटी काउंसिल, जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर्स एंड स्टेट, ये भी हमारा सही है। एंड फोर्थ इज स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी आप मुझे बताएंगे कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट फाइनेंस कमीशन, प्रोवाइड्स फंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है स्टेट का, उसका काम फंड्स देना नहीं है, ठीक है, वो फंड्स की बात कर सकता है कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस देख सकता है स्टेट के अंदर और उसकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर, पर ये फंड्स देता नहीं है, तो ये आपका आंसर जो है वो गलत होगा, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन अगेन वहीं से है, फिस्कल फेडरलिज्म यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वॉज मेनली फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसको इनमें से किसने फैसिलिटेट किया, ये किस इनमें से कौन सी ऑप्शन के साथ डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इंडिया में आया. ऑप्शंस क्या हैं, 173rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, सेकंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, थर्ड जीएसटी काउंसिल एंड फोर्थ इज ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आंसर इज ऑप्शन नंबर 173rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स. क्वेश्चन कहाँ से है, यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. टॉपिक इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन जो इस पैसेज के ऊपर बेस्ड थे. तो अगर आपने ध्यान से इन क्वेश्चंस को किया है, आपको समझ आ गया होगा कि पैसेज एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए ही था. अगर आप पैसेज मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज पर बेस्ड नहीं थे, अगर आपने पैसेज ना भी पढ़ा होता, मतलब आपको पैसेज बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर आप इन टॉपिक्स से वाकिफ़ हैं, आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को वैसे भी आंसर कर सकते हैं. नाउ अब देखते हैं जो आज के 5 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से यूनिट से आए, एनालिसिस कर लेते हैं. तो आज के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आए हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, और 3 क्वेश्चन जो हैं वो हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से. तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलेंगे लास्ट 5 क्वेश्चंस के साथ. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेराकी यूट्यूब को, और साथ ही बेल बटन भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड. हैव अ नाइस डे.